सो गाइज दिस इज कमिल एंड यूर वॉचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज की इस वीडियो पर मैं आपको दिखाया कैसे आप लाइटरूम के अंदर अपनी फोटो का फेस एंड स्किन को स्मूथ कर सकते हो और साथ में रिटच कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर से अंत तक देखना हो और सीधा चलते हम लाइटरूम मोबाइल ऐप की तरफ। ओके गाइज तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में। तो सबसे पहले आप अपनी फोटो को शेयर करके लेके आ जाइएगा लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में। आप अपनी गैलरी से सीधा शेयर करके ले आ सकते हो और ये जो आपको आइकन मिलता है इसके ऊपर क्लिक करके भी आप अपना फोटो ऐड कर सकते हो लाइटरूम मोबाइल एप्लीकेशन में। तो यहाँ पर मैंने अपना फोटो ऐड कर लिया, तो मैं ऑल फोटोज के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये रहा हमारा फोटो। तो मैं फोटो के ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हो हमारा फोटो आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको दिखाया तो ये फोटो हमारा कुछ इस तरीके का है। सो आप देख सकते हो इसके फेस में पिंपल वगैरह शो हो रहा है। तो अभी क्या करना है, हमें इससे का जो स्किन है और जो फेस उसको हमें रिटच करना है, स्मूथ करना है। तो सबसे पहले हम ऐड ऑटो के ऊपर क्लिक करेंगे। सो ऑटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका फोटो कुछ ऐसा हो जाएगा, सो बिफोर आफ्टर। उसके बाद आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, ये मिलता है डिटेल्स। सो सिंपली हमें डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो शार्पनिंग मिलता है इसको थोड़ा सा आपको जो इंक्रीज करना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। सो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम होगा नॉइज रिडक्शन। तो सिंपली नॉइज रिडक्शन को आपको इंक्रीज करना है। सो अराउंड इतना तक इंक्रीज कर लेना। सो इतना इंक्रीज करने के बाद आप देख सकते हो हमारा फेस स्मूथ हो चुका है। तो इसको थोड़ा कम कर लेते, सो इतना रख लेते ठीक है, या थोड़ा और इंक्रीज कर लेते। सो 65 कर लिया मैंने ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ये मिलता है डिटेल्स, इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है और यहाँ से शार्पनिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करना है ठीक है। सो जैसे आप शार्पनिंग को इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे आपका जो टेक्सचर है वो वापस आना स्टार्ट हो जाएगा। सो उसके बाद हमें ये जो आइकन मिलता है इस पर आ जाना है। सो इस पर आने के बाद जो टेक्सचर मिलता है इसको आपको इंक्रीज करना है। सो टेक्सचर इंक्रीज करने के बाद अभी क्लैरिटी मिलता है, क्लैरिटी को इंक्रीज करना है। सो टेक्सचर को थोड़ा और इंक्रीज कर लेते हैं। टेक्सचर को हम इतना इंक्रीज करेंगे और क्लैरिटी को हम इतना रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ से आ जाना है ये जो आइकन मिलता है इस पर मिक्स टूल पर, और यहाँ से हमें मिक्स के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। लुमिनेंस का जो वैल्यू उसको आपको इंक्रीज कर लेना है। सो कुछ इस तरीके से, सो मैंने इंक्रीज कर लिया। उसके बाद इसका जो सेचुरेशन का जो वैल्यू उसको आपको थोड़ा माइनस कर लेना है ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा, सो इसे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद येलो पर आ जाते और यहाँ से हम अपनी फ़ोटो को रिटच कर लेते ठीक है। सो ओवरऑल पूरा पिक्चर को हम रिटच कर लेते, तो यहाँ पर हमारी फ़ोटो पर एक काफ़ी एस्थेटिक लुक आ जाएगा। सो हम यहाँ पर एक इफेक्ट डाल लेते हैं। सो आप देख सकते हो हमारी फ़ोटो पर एक अच्छा सा लुक आ चुका है। उसके बाद डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो डन के ऊपर क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पर आ जाते और यहाँ पर आने के बाद इसका आप हाईलाइट को थोड़ा इंक्रीज करके देख सकते हो। उसके बाद आपको ये जो आइकन मिलता है इस पर आपको आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको फेवरेट्स के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम एक इसके अंदर जो फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं, लाइक मैं देख लेता हूँ। सो ये वाला फिल्टर अप्लाई करते हैं और इसका अमाउंट को आपको बिल्कुल कम कर लेना है ठीक है। सो इतना आप कम कर लेना, उसके बाद ऊपर में कर देना है डन। सो फाइनली आप देख सकते हो हमने अपने मॉडल का जो स्किन एंड जो फेस उसको रिटच कर लिया, उसको स्मूथ वगैरह कर लिया। सो अभी मैं आपको दिखाया था बिफोर एंड आफ्टर इसका। सो इसको छोटा कर लेती, सो बिफोर कुछ ऐसा था और आफ्टर हमारा जो पिक्चर है वो कुछ ऐसा हो चुका है। तो आप देख सकते हो, सो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सो आप देख सकते हो पहले कुछ ऐसा था और अभी कुछ ऐसा बन चुका है। तो उसके बाद आपको शेयर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपनी वीडियो को सेव टू डिवाइस के ऊपर क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से आप जो है लाइटरूम के अंदर अपनी फेस एंड स्किन को स्मूथ कर सकते हो, रिटच कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।